हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी आर फैशन। और इस वीडियो में मैं आपको इस सिंपल से स्लीव में नॉर्मल मशीन से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैं ये जरी थ्रेड यूज़ करूंगी। फ्रेंड्स, इसे जरी थ्रेड कहते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी वर्क में यूज़ होती है। और इसके साथ मैं ये सितारे भी यूज़ करूंगी। तो जरी थ्रेड और सितारों का यूज करके मैं सिंपल से स्लीव में डिजाइन बनाऊंगी। तो फिलहाल के लिए मैंने साइड में रख देती हूँ। उसके बाद मैं ये पेपर पेस्टिंग ले रही हूँ। ये एक तरह की चिपकने वाली बुकरम होती है। मैं इसे स्लीव की उल्टी साइड पे चिपकाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने स्लीव की उल्टी साइड पे पेपर पेस्टिंग चिपका ली है। उसके बाद हम स्लीव पे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं स्लीव पे मोहरी की तरफ से निशान लगाऊंगी। मैं यहाँ 1/2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और फिर मैं यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी। फ्रेंड्स, लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ किनारे से मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और फिर यहाँ एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम वापस ऐसे ही लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। मैं फिर से 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और फिर इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक तिरछी लाइन बनाएंगे। मैंने 2-2 इंच की दूरी पे पूरी स्लीव पे तिरछी लाइनें बना ली है। स्टार्टिंग मैंने इस कॉर्नर से करी थी। उसके बाद मैं इस कॉर्नर से वापस इसी तरह तिरछी लाइनें बनाऊंगी। इस कॉर्नर से फिर से 2 इंच पे मार्क करेंगे और फिर एक तिरछी लाइन बनाएंगे। और फिर वापस 2-2 इंच पर मार्क करते जाना है और तिरछी लाइनें बनाते जाना है। इस कॉर्नर से भी मैंने 2-2 इंच की दूरी पे तिरछी लाइनें बना ली है। तो इस तरह से ये पैटर्न क्रिएट हो गया है। उसके बाद मैं ये जरी थ्रेड ले रही हूँ। ये जरी थ्रेड सिंगल तार की थ्रेड है। और थ्रेड मुझे इस तरह डबल तार में चाहिए, तो उसके लिए मैंने जरी थ्रेड को 2 बॉबिन में भर दिया है। डबल थ्रेड बनाने के लिए दोनों बॉबिन के धागों को एक साथ पकड़ना है और पकड़कर खींचना है। तो अब ये डबल धागा बन गया है। तो अब इस डबल धागे को खाली बॉबिन में भरना है।
सिंगल धागे को मैंने डबल धागा बना के बॉबिन में भर लिया है। फ्रेंड्स, जरी थ्रेड को मैं मशीन में बॉबिन केज से यूज करूंगी। जरी थ्रेड को बॉबिन केज से यूज करने से पहले बॉबिन केज में ये जो छोटा सा स्क्रू दिया हुआ है उसे थोड़ा लूज करना है ताकि थ्रेड आसानी से बॉबिन केज से निकल सके। स्क्रू को लूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्क्रू लूज नहीं करते हो तो थ्रेड बार बार टूटेगा और डिजाइन बनाने में प्रॉब्लम आएगी। मशीन में बॉबिन केस से मैं जरी थ्रेड यूज करूंगी और मशीन में ऊपर की तरफ से मैं सिंपल गोल्डन थ्रेड यूज करूंगी। फ्रेंड्स, डिजाइन बनाने के लिए जो मशीन में यूज करूंगी वो एक नॉर्मल सिलाई मशीन है जिससे कपड़ा सिला जाता है। तो अब मैंने जो स्लीव पे डिजाइन बनाया है उसे मशीन में बनाकर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पूरी सिलाई लगा ली है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि मैंने किस तरह से सिलाई लगाई है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले मैंने इस लाइन पे सिलाई लगाई है, फिर सुई को इस पॉइंट पे रोककर यहाँ तक सिलाई लगाई, फिर सुई को इस लाइन की तरफ मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाई है। फ्रेंड्स, उसके बाद इस लाइन पे भी मैंने बिल्कुल सेम सिलाई लगाई है। उसके बाद ये जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी गई है तो उस पर मैंने सीधी सिलाई लगाई है। फिर बाकी की जो लाइनें हैं उस पर भी बिल्कुल सीधी सिलाई लगाई है। उसके बाद यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर ये जो लाइन है मैंने उस पे सिलाई लगाई है और फिर इस पॉइंट पे सुई को रोककर इस लाइन पे सीधी सिलाई लगा देनी है। उसके बाद बाकी की लाइनें बिल्कुल सीधी बनी हैं, तो मैंने उस पर सीधी सिलाई लगाई है। तो इस तरह से मैंने पूरे पैटर्न पे सिलाई लगाई है। तो अब मैं इसे सीधी तरफ पलटकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, सीधी तरफ से ये डिजाइन बहुत सुंदर लग रही है। मैंने लाइंस पे जैसे सुई को घुमाकर सिलाई लगाई थी उससे बहुत सुंदर डिजाइन बन के आया है। उसके बाद मैंने गोल्डन कलर की कपड़े की पट्टी ली है, तो इस पट्टी को मैं स्लीव के नीचे की तरफ से पाइपिंग लगाऊंगी। मैंने स्लीव पे पाइपिंग लगा ली है। उसके बाद मैं ये सितारे ले रही हूँ। इन सितारों को मैं जहाँ पे लाइनें क्रॉस हो रही है वहाँ पे स्टिच करूंगी। सितारों को स्टिच करने के लिए मैंने सुई धागा लिया है। धागा मैंने गोल्डन कलर का लिया है।
फ्रेंड्स, मैंने पूरे स्लीव पे ही सितारे स्टिच कर लिए हैं। सितारे स्टिच करने के बाद स्लीव बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, आप अपने कुर्ती या ब्लाउज के स्लीव पे ये डिज़ाइन बनाकर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको कुर्ती के और भी डिज़ाइंस देखने हैं तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करिए, और अगर स्लीव के डिज़ाइंस देखने हैं तो राइट वीडियो पे क्लिक करिए।